माध्यम से। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद की सियासी जंग रोचक हो गई है। खबर है कि कांग्रेस ने एआईएमआईएम के खिलाफ हैदराबाद से उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया। यह दावा खुद कांग्रेस नेता मोहम्मद फिरोज ने किया है। तो क्या ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताने वाली कांग्रेस ने वाकई एआईएमआईएम से समझौता कर लिया है? आइए आपको पूरी कहानी दिखाते हैं। क्या हैदराबाद में ओवैसी से मिल गई है कांग्रेस? क्या कांग्रेस और एआईएमआईएम में कोई समझौता हुआ है? क्या हैदराबाद में कांग्रेस नहीं उतारेगी उम्मीदवार? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस अभी तक ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा करती थी। उसी कांग्रेस ने हैदराबाद में ओवैसी के साथ समझौता कर लिया है और ये दावा खुद कांग्रेस के नेता मोहम्मद फिरोज ने किया है। There's a compromise between MIM and Congress party, so I'm not in the race. High command will decide. ओवैसी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की नजदीकी किसी से छिपी नहीं है। इफ्तार पार्टी से लेकर दोनों आपस में मंच भी साझा कर चुके हैं। यानी अगर AIMIM और कांग्रेस के बीच समझौते की बात पुख्ता है तो हैदराबाद का मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी और ओवैसी के बीच होने वाला है। यही वजह है कि बीजेपी को इस मामले में अब खुलकर बोलने का मौका मिल गया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने AIMIM, कांग्रेस और BRS को एक ही थाली का चट्टा बट्टा बताया है। ये तीनों कांग्रेस पार्टी हो, MIM पार्टी हो और BRS पार्टी हो, तीनों एक ही है, एक ही ग्रुप है, तीनों का DNA एक ही है, तीनों मिलके काम करते हैं, तीनों मिलके पुराने शहर के हिंदुओं के खिलाफ बात करते हैं, हिंदुओं का अलग अलग 100 बस्तीस स्लम्स खाली करवाते हैं। मजलिस पार्टी, कांग्रेस पार्टी सत्ता में है तो कांग्रेस पार्टी समर्थन करते हैं MIM पार्टी को, BRS पार्टी सत्ता में है तो BRS पार्टी MIM को सपोर्ट करते हैं, पुलिस पूरे MIM के इशारे पर नाचने वाले पुलिस को लगाते हैं, पूरे हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं मजलिस पार्टी, उनका समर्थन में सरकार ठहरती है। सियासत में कांग्रेस और AIMIM एक दूसरे की कट्टर विरोधी पार्टियां रही हैं, लेकिन हैदराबाद से जो समझौते की खबरें आ रही हैं, उसकी बुनियाद बदले हुए माहौल से पड़ी है। क्योंकि जिस हैदराबाद सीट से ओवैसी लगातार पांचवी बार अपनी जीत पक्की मार रहे थे, वहां से बीजेपी ने फायर ब्रांड नेता माधवी लता को उतार कर बड़ा खेल कर दिया है। इसलिए अभी तक जो कांग्रेस मोहम्मद फिरोज को टिकट देने की तैयारी में थी, उन्होंने खुद को इस रेस से बाहर कर लिया है और ओवैसी के लिए समझौते के नए दरवाजे खोल दिए हैं। चुनाव के समय नेताजी के लिए जनता किसी भगवान से कम नहीं होती और इसी जनता को मनाने के लिए वो तरह तरह के पैतरे अपनाते हैं ताकि जनता का वोट पाया जा सके। ऐसा ही कुछ हुआ है, रिपोर्ट में समझिए। चुनाव के समय नेताजी वोट की फसल काटने के लिए अलग अलग अंदाज अपनाते हैं। ऐसा ही कुछ दिखाई दिया मथुरा में, जहां मथुरा की दो बार की सांसद हेमा मालिनी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और वो जानती है कि एक एक वोट की कीमत। शायद इसीलिए वो तपती दोपहरी में महिलाओं के बीच पहुंची और चुनावी प्रचार के साथ ही उन्होंने गेहूं की फसल काटी, जिसकी तस्वीरें खुद हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर साझा की। वो कांजीवरम साड़ी पहनकर गेहूं काटती नजर आ रही हैं। वहां मौजूद लोग और सड़क पर चलते राहगीर भी हैरान रह गए। हेमा मालिनी ने खेतों में काम करने वाली महिलाओं से बातचीत की। हेमा मालिनी की ये तस्वीरें बलदेव क्षेत्र की हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हेमा मालिनी ने चुनाव से पहले ऐसा किया हो। 2019 में भी वो खेतों में जाकर लोगों से मिली थी और वहां फसल काटते वक्त फोटो खिंचवाई थी। उधर सीएम भजनलाल शर्मा चुनावी सीजन में दिन की शुरुआत मॉर्निंग वॉक से करते हुए नजर आए। सीएम भजनलाल शर्मा आम लोगों के साथ मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखे। जैसे ही इस बात की खबर लोगों में पहुंची तो सीएम के साथ वॉक करने वालों की भीड़ जुट गई। सीएम को अपने नजदीक पाकर खुद को उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई।
इस दौरान सीएम भजनलाल लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से भी नहीं चूके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की तो वहां सीएम भजनलाल शर्मा ने मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन भी किए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हर तबके की प्रदेश में क्या समस्या है उसके समाधान की अगर कोई इस देश में गारंटी दे सकता है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। तो वहीं जनता को लुभाने के लिए कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी पीछे नहीं है। वो भी लोगों के बीच अनोखे अंदाज में दिखे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ लोकगीत पर जमकर डांस किया। उनके साथ समर्थक और कार्यकर्ता भी नाचते दिखे। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब किरोड़ी लाल मीणा अनोखे अंदाज में दिखे हों। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा दौसा से बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में कोटकावदा इलाके में चुनावी प्रचार के लिए पहुँचे थे। इस बीच वो लोगों के साथ डांस करने लगे। नेताओं के अनोखे अंदाज हर चुनाव में देखने को मिलते हैं, लिहाजा चुनावी सीजन है और जनता को लुभाना भी है जिससे वोट की फसल काटी जा सके। लेकिन अब देखना ये होगा कि नेताओं का ये अंदाज लोगों को वोट के लिए लुभा पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी इस वक्त चरम पर है और इस बीच पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के विधायक हमीदुल रहमान ने खुलेआम वोटर को सेंट्रल फोर्सेस को लेकर धमकी दी। टीएमसी विधायक की धमकी के बाद सियासत गर्म है। अब बंगाल बीजेपी ने इस वीडियो के आधार पर चुनाव आयोग से हमीदुल रहमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बंगाल में टीएमसी विधायक का धमकी तंत्र। सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स 26 तारीख पर्यंत थाकबे। मतदाताओं को टीएमसी विधायक की खुली धमकी। तखन अभिजोग करबेन ना जा आमार की होलो आमार एटा होलो। बंगाल में रहना है तो टीएमसी से डरना है। जय बंगला, जय बंगला। पश्चिम बंगाल में मतदाताओं को कैसे खुलेआम डराया धमकाया जाता है इसका सबूत ये वीडियो है। बंगाल में हर बार चुनाव के बाद टीएमसी को वोट न देने वाले मतदाताओं और दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा कौन करता है, ये वीडियो सवाल का जवाब है। चुनावी मंच से लाउडस्पीकर पर दूसरी पार्टी के समर्थकों और मतदाताओं को खुली धमकी देने वाले जनाब टीएमसी के माननीय विधायक है। नाम है हमीदुल रहमान। सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स 26 तारीख पर्यंत থাকবে তারপরে আমাদের এই ফোর্সের সঙ্গে থাকতে হবে। মূল্যবান ভোটগুলো নষ্ট করবেন না, বাদরামি করবেন না। 26 তারিখে সেন্ট্রাল বাহিনী চলে যাবে, তারপরে আমাদের এই সেন্ট্রাল বাহিনীরা থাকবে। তখন অভিযোগ করবেন না যা আমার কি হলো আমার এটা হলো। বঙ্গাল কি চোপড়া বিধানসভা সিট সে বিধায়ক हमीदुल रहमान ने विवादास्पद बयान दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के टीएमसी उम्मीदवार गोपाल लामा के समर्थन में दिया है। वो एकदम धमकी है, स्पष्ट शब्दों में धमकी है कि अभी तो कुछ भी कर लो, केंद्रीय फोर्स है, जिस दिन केंद्रीय फोर्स यहां से चला जाएगा तुम लोग को तो हमारे फोर्स के संग ही रहना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि पश्चिम बंगाल पुलिस राज्य का पुलिस नहीं है, ये तृणमूल का कैडर है जो कि पुलिस के पोशाक में, कि हमारे पुलिस के संग रहना पड़ेगा। मतलब टीएमसी विधायक की इस धमकी भरे वीडियो को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया है। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चोपड़ा से टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के लिए जाने जाते हैं। यहां उन्हें वोटरों और विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए देखा जा सकता है। उनका आदेश साफ है, एक बार चुनाव खत्म हो जाने के बाद केंद्रीय बल चले जाएंगे और एकमात्र बल जो रहेगा वो उनका यानी कि टीएमसी का होगा। मतदाताओं और विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को उनसे निपटना होगा। मैं चुनाव आयोग से चोपड़ा से टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान के धमकी भरे वीडियो पर संज्ञान लेने का आग्रह करता हूं, जो स्पष्ट रूप से मतदाताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी के नेता ये आरोप लगाते रहते हैं कि
कि चुनाव में जीत के लिए टीएमसी के नेता मतदाताओं को डराते धमकाते हैं और टीएमसी को वोट न देने वाले वोटरों को चुनाव के बाद परेशान करते हैं। शुभेंदु अधिकारी के एक्स अकाउंट पर जारी किए गए इस वीडियो पर भी टीएमसी की ओर से कोई सफाई नहीं आई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।